चल कर। मुझे नहीं पता किसने कहा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। तो आप मुझे लिख के बताएंगे किसने लिखा है, हो सकता आपको पता हो। लेकिन जो है ना, कई बार टीचर को जाति में, धर्म में और पता नहीं किन किन कम्युनिटी में बांधा जाता है, लेकिन एक टीचर, एक गुरु कि कोई जात नहीं होती। कहते हैं ना, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जात न पूछो साधु की या टीचर की भी, मैं वहां अपने आप से जोड़ रहा हूं, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। चलिए, तो जैसे कि आप टाइटल देख ही रहे हैं हमारा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत दिन से आप लोगों से दूर, ऑनलाइन से दूर, तो शुरू कर रहे हैं हम लोग आज की क्लास। मैं थोड़ा सा बता दूं इस क्लास में क्या रहेगा। इस क्लास में हम लोग जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑप्शनल देखेंगे, मैं आपको अगला पेज दिखा भी दे रहा हूं, और उनसे एग्जाम से जुड़े हुए कुछ वर्ड्स, कुछ वर्ड हो सकता है कि प्रीवियस कुछ एग्जाम्स में जुड़े हुए आए हुए हैं, या कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आने वाले कुछ एग्जाम्स में आपको दिखाई देंगे, मैं दावा करता हूं। तो चलिए, आपका मैं एक बार फिर पुनः स्वागत करता हूं गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट के इस YouTube चैनल के महामंच पर, और हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं वन वर्ड की। और इस वन वर्ड में हम ढेरों, यानी आप कह सकते हो हजारों वर्ड सीखने वाले हैं। तो जब तक कारवा नहीं रुकेगा, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। चलिए, आज का पहला ही वर्ड मैं आपके सामने डाल रहा हूं, और इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा जो ऑप्शनल होंगे। देखिए जरा, फर्स्ट वर्ड देखो, एक बार मैं आपको ऊपर पढ़ा दे रहा हूं, एक बार मैं पेन चेंज कर लूं अपना, और मेरा पसंद होता है वैसे वाइट होता, लेकिन आपके लिए मैं ब्लू येलो ले रहा हूं, और मेरी ब्रश हो गई ये। और यस, देखिए, डायरेक्शन आपको अक्सर एग्जाम्स में इस तरह की मिलेगी, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेज। जो फ्रेज नीचे लिखा हुआ है या जो भी वर्ड आपको लिखा हुआ है उससे जुड़ा हुआ आपको फ्रेज भी हो सकता है, और वन वर्ड भी मिलेगा आपको, वन वर्ड। ये दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आप देख रहे हो द आर्ट ऑफ डिलेइंग, देरी वाली जो कला होती है, देर से जाने की कला। आप देख रहे हो कुछ बालक जो है यहाँ लाइन लगा के खड़े हैं, हरियाणा में खासकर कुछ इस तरीके से होता है, जब गुरुजी अंदर चले गए क्लास में तो बच्चे झांक झांक के देखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे यहां पर। इनमें से मैं चाहता हूं आप कोई एक अपना ऑप्शन टिक करें, देखें कि आपको इसमें से कुछ आता है कि। ये तो मैंने पिक्चर वैसे ही, डिलेइंग यानी किसी चीज को टालने की कला, या किसी के टालने के एक्शन को क्या कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं। एक बार धीरे धीरे शुरू करेंगे हम। यस अंकित, पूनम, कोमल, टोटल गेमर भी आया है कोई, ओ भाई, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। लेट स्टार्ट, शुरू करते हैं। एक बार देखिए जरा पिक्चर को और वर्ड को, तो आपका आंसर कहां है। देखिए, आपको कुछ वर्ड ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, डीजेनरेशन, इन्फ्लेशन, प्रोकस्टिनेशन और रिग्रेशन, है ना। देखो, तो चलिए मैं आपको कुछ सेकंड का ही टाइम दूंगा, क्योंकि हम ढेर सारे वर्ड्स करने वाले हैं यहाँ पे। और एक छोटी सी बात और मैं कहूं आपको, आप काफी लंबे समय बाद जुड़ रहे हैं, और हम रोजाना या अल्टरनेट डेज पर हम जुड़ते रहेंगे ढेर सारे वर्ड्स लेकर, तो अपने आस पर फ्रेंड्स को आप अपना जो है ये लिंक भेज सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आज जो काउंटिंग चल रही है आपके व्यूवर्स की, आप खुद इसको बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी, क्या पता आपको खुद लगेगा कि हाँ यार, मैंने कुछ
नए व्यूवर्स जोड़े हैं, कुछ रिलेटिव्स हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है जिनको इस तरह के वर्ड सीखने हैं, ये हर एक के लिए जरूरी होते हैं। साहब देखिए जरा, तो मैं आपको बता दूं हमारा जो आंसर रहेगा वो भी मैं बता दूं, डी जनरेशन का मतलब होता है, अब जनरेट का मतलब तो आगे बढ़ना हो तो डी का मतलब होता है हटाना, यानी पीछे हटना हो गया। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, ठीक है। प्रोकस्टिनेशन होता है टाल मटोल। रिग्रेशन तो पता ही आपको, रिग्रेशन चल रहा है, आप बोलते हो कि बहुत बड़ा रिग्रेशन है, संघर्ष है, तो प्रोकस्टिनेशन होता है ना किसी को टालना, डिले करना, ये मतलब पिक्चर से रिलेट मत करना, वो वैसे ही आपकी मनोरंजन के लिए मैंने डाला हुआ है कि हम डिले करते हैं, टालते हैं कि अभी लेट हो गया है बाद में चलेंगे, टालते रहते हैं, प्रोकस्टिनेट करते हैं। अक्सर मॉर्निंग में होता है, जब आप सुबह अलार्म लगाते हो तो उसको आप बार बार टाल मटोल करते हो, नहीं यार 5 बजे का लगाया है, थोड़ा सा और सो लेता हूँ 10 मिनट 15 मिनट, सबके साथ 99% सभी ऐसा ही करते हैं, प्रोकस्टिनेशन करते हैं, लाइफ में भी करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा, देखिए, अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ही ज्यादा खाता हो, आप हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा खाएं, कैनिबल, ग्लटन, कार्निवोर्स, ओबेस, थिंक अबाउट दीज वर्ड्स, व्हाट कैन बी योर आंसर। मैं आपको एक बार, अब तो मैं ऑप्शन जरूर देखूंगा आपका, जो पर्सन हु ईट्स, मेरे पास है रिया अंतिल, बिल्कुल लिखा हुआ है, प्रोकस्टिनेशन लिख दिया, आप एबीसी भी लिख सकते हैं आपके पास अगर पूरा वर्ड ना लिखना हो। हाँ, पूरा लिखने से होता क्या कि स्पेलिंग याद हो जाती है, ये अच्छी बात रहती है। जी कैलाश कश्यप जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर, सुना है आपने, बुक लिखी है एक जी, दिलसाद जोन, दिलसाद जी बिल्कुल, गैलेक्सी एक्सिस की मेरी ही नहीं, हमारे सभी गुरुजन जो है उनकी अपने अपने खुद के हैंड रिटन जो है नोटबुक आई हुई है, उनको आप ले सकते हैं, हमारी गैलेक्सी एक्सिस कोचिंग पॉइंट की जो ऐप है उस पर आप सभी बुक्स का ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय पोस्ट आप उसकी पेमेंट करेंगे तो हम आपको बाय पोस्ट वो बुक भेज देते हैं और आपको बराबर फॉलो करते हैं कि आप तक वो बुक पहुंची या नहीं ना पहुंची, ठीक है। मैं आंसर जानना चाह रहा हूँ, वो बुक वाली बात तो कर ही लेंगे, मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ दोस्त बढ़ा भी रहे हैं आंकड़ा अपना। पूनम जी डी बता रहे हैं, देखिए चलिए, नहीं मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैनिबल क्या होता है, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, नर मतलब जो मानव का मांस खाए, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, ग्लटन, पेटू बोलते हैं जो ये वाला, देखो गले तक पूरा भर गया हो जिसने इस तरीके से जो खा ले उसी को कहा जाता है, कार्निवोरस जो मांस खाए, मांसाहारी जिसको कहा जाता है, मांसाहारी, ठीक है, एंड ओबेस तो मोटापा होता है ना, यहां पर जो बहुत ज्यादा खाए उसको ही बोला जाता है ग्लूटन बोलते हैं, ठीक है ना, ओबेस, ओबेसिटी से बना है, इसी से बनता है ओबेसिटी। आई होप कुछ का आंसर सही हो गया, अगर आपका आंसर सही हो तो एक बार ये वाला करना जरा, ये वाला आप क्या बोलते हैं इसको, है ना, ठेंगा, मुझे ठेंगा दिखाओ जरा, क्या आपका ठेंगा काम कर रहा है वहां पे, टिचू टिचू कर रहा है काम, बताओ जरा, देखना एक बार जी। रवि मलिक बी बताया, रवि मलिक ने, रवि छा गए आप तो भैया, और कौन है, मनीष जी दैया, मौसम मलिक, मौसम ए बताया था आपने, देखो गलत हो गया, ये तो क्लास में भी बताता रहता हूं मैं। नेक्स्ट देखते हैं भैया, अगला वर्ड क्या हमारा, आह, द हाउस और शेल्टर ऑफ एन अरब, कुछ इस तरह का एक मकान होता है, हाउस कहो शेल्टर कहो, जिसको क्या कहेंगे यहाँ पे, बरो, कॉन्वेंट, डेयरी, डोवर, ए बी सी डी, एक बार देखो तो जरा क्या रहेगा आपका आंसर, मैं आप इंतजार कर सकता हूं। चलिए मैं अपने दोस्त को कहूंगा क्या मुझे गिलास मिल जाएगा, तो मैं कपड़े खराब कर लूंगा सारे, है ना, लेके आना जरा, एक ये मेरे लिए ये भी लेके आया है, ये क्या है कि बाल जो है ना वो आगे आ जाते हैं और पता नहीं क्यों नहीं कटाए जा रहे ये बाल, थोड़ा सा देखें कैसा लग रहा है, आप मुझे बताना, ये लगा के दिखा रहा हूं आपको, हाँ सही होगा क्या, अच्छा अब आप कहोगे तो मैं रख लूंगा, नहीं तो मैं हटा भी दूंगा, ठीक है, बताना जरा एक बार इसके बारे में भी, है ना, हाँ आंसर बताओ जरा एक बार, इसका भी बताना, ये स्प्रिंग लगाया है मैंने कुछ, आजकल बालक लगा रहे हैं तो मैं भी लगा लेता हूं चलो डोर बोला, बिल्कुल सही कहा, शेर की, ये तो हो गया वही डोर, अरब का जो घर हो गया, ये मांद होती साहब, शेर की मांद,
कन्वेंट क्या होता है, जहां पर नन्स रहती हैं, नन यानी जो महिलाएं शादी नहीं करती और अपना जो है सिर्फ पठन पाठन का काम करती हैं, टीचिंग करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। डेयरी तो आप जानते ही हो, जहां मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। हाँ मुझे बताना जरा ये क्या है सर, अच्छे नहीं लग रहे हैं हेयर बैंड, कितने कति गजब लग रहे हो। अब मैं किसकी मानूं भाई, बताना जरा। चलो मैं थोड़ा सा और अच्छे से करके दिखाता हूँ आपको, अब बताओ जरा, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, ये तो बातें होती रहेंगी। हाँ द हाउस और शेल्टर फॉर अ काउ, ये तो आसान है। अगर यहां गलत किया किसी ने मारूंगा, फिर बता रहा हूं, ये तो आसान है, जरा एक बार करके बताओ। हाँ क्या रहेगा ये बताओ जरा, ये बताओ जी। नमस्कार सभी को, नमस्कार। हरियाणवी वॉरियर क्या कहता है, वॉरियर। कुछ वर्ड्स आए आपके सामने, एक ही बताना बस आपको। डेयरी आ गया, डेयरी यार कितना मशहूर शब्द है। यहां भी कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं तो फिर तो ज्यादा संकट है भाई। थैंक यू जेंटलमैन। जी एक बाड़ा होता है, पशुओं का बाड़ा, जिसमें सभी लोग रहते हैं, जहां डॉग्स को रखा जाता है। फार्म भी होता है, ढेर सारे पशु हो सकते हैं, फार्म फार्म हाउस होता है, लेकिन आपका सही वर्ड हो गया। अगर काउ के लिए बात करें तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट, रेजिडेंस फॉर नंस, अभी डिस्कस हुआ था, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, याद रखने है कुछ वर्ड, मैं आपको बताता रहूंगा आगे चल के, ये ऑप्शंस में आएंगे, मेन क्वेश्चंस भी बनेंगे। नन आप देख ही रहे हो, नन अभी मैंने बताया, कुछ कॉन्वेंट स्कूल वर्ड आई गया, कॉन्वेंट स्कूल होते हैं जहां पर नंस रहती हैं, अनमैरिड। अंग्रेजों ने जो है ये कल्चर, ये कंसेप्ट नंस का, वैसे तो भिक्षु जो महिलाएं होती हैं हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में पाई जाती हैं, तो ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी है उसके अंदर नंस का कंसेप्ट है। आप देख रहे हो ब्रेवरी, जहां बियर बनती है, ठंडी ठंडी बियर, भयंकर ठंडी जिसको बोलते हैं, वही सेम मांद वाला वर्ड आ गया, ठीक है। ये होता है अबट्योर, होता है कसाई खाना, जहां पर बूचड़ खाना कहो। अभी पूरा का पूरा जो यूपी है इस वर्ड को लेकर काफी चर्चाओं में था, तो हमारा जो वो आंसर हो जाएगा, नंस का रहने का स्थान जो है वो कन्वेंट होता है। अगला वर्ड, अ प्लेस फॉर हाउसिंग एरोप्लेन्स, आसान है ये बता दोगे आप, ये बता दोगे। देखो जरा एक बार क्या हो सकता है आपका आंसर। जी ओ जय जय वीर, यस यस, ना 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 ना, ना आप बस आप प्यार करते रहें और बात बन जाएगी। एक बार मैं चाहता हूं आप जो आपका आंकड़ा है वो थोड़ा सा डाउन आ रहा है, उसको बढ़ाओ जरा, तभी कॉन्फिडेंस आता है कि ढेर सारे बच्चे जब जुड़ेंगे ना, ठीक है। थोड़े से कुछ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो फिर वो मजा सा कम आता है। जब भाई डेटा जो है ना, सबका कॉन्फिडेंस, चाहे वो पर्स में डेटा बढ़े, चाहे बैंक में बढ़े, चाहे यूट्यूब पे बढ़े, चाहे व्यूअरशिप का बढ़े, वो सबके लिए बराबर रहता है, तो प्लीज उसका भी ध्यान रखें। हैंगर क्या रहेगा, फैक्ट्री, डिपो, डेन। डेन तो आप जानते हो गुफा होगी, लेकिन जहां जहाजों को रखा जाता है, ठीक है ना। देखो डिपो जो होता है वो गुड्स के लिए होता है, टी साइलेंट रहता है ना, बुक डिपो सुना होगा आप लोगों ने, जहां बुक स्टोर करते हैं, केवल डिपो कहेंगे तो गुड्स को स्टोर किया जाता है, सामान को। फैक्ट्री होता है जहां प्रोडक्शन होता है, जहां कुछ सामान चीजें बनती हैं, प्रोडक्शन जहां होगा, ठीक है, उद्योग। आपका जो सही वर्ड है ना वो हैंगर रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाकर भी आंसर दें, मैं देख रहा हूं ज्यादातर बालक गलत कर रहे हैं। ओ यहां पर भी ये सी था, सॉरी ये सी था, लेकिन सी भी अगर आपने लगाया तो गलती तो हो गया है ना। अब देखो जरा, तो हैंगर कहा जाता, आप देख भी रहे हो, मैंने एक पिक्चर उठाया हुआ है, इस तरीके से पूरा का पूरा जो जहाज है
वो अंदर जो है पार्क हो जाता है, जैसे हम गाड़ी गैरेज में पार्क करते हैं, ऐसी जो एरोप्लेन्स हैं उनको हैंगर में पार्क किया जाता है। ठीक है, अगला वर्ड, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। इस पिक्चर को देखते हुए और ऑप्शंस को देखते हुए मेरे ख्याल से आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। अब मैं आपके कमेंट्स देख सकता हूं थोड़ी देर के लिए और आपका इंतजार कर सकता हूं। तो लेट अस वेट फॉर द करेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। मैं देख रहा हूं, मैं नाम ले रहा हूं एक बार कुछ दोस्तों के जल्दी जल्दी। प्रियांशु और हर्षिल कटारिया इज ऑल्सो वॉचिंग। यस हरी 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 किसको कह, हाँ हरी ने जवाब दिया है, हर्षिल, राहुल, जयवीर और मेरे साथ कौन है, राहुल बार बार आंसर दे रहे हैं बी बी बी। राहुल ऐसा तो ना करो, देखो आंसर, देखो लिखा भी हुआ है नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इंडिया था। तो जहां सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं उसको कहा जाता है आर्काइव्स, आर्काइव्स। देखो यहां एक पिक्चर मैंने लगाई हुई है, इंडियन गवर्नमेंट का भी आर्काइव होता है, जहां सरकारी, आप अंग्रेजों से लेकर और भी पहले मुगल काल और भी पीछे के काफी सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज जो है हमारे, वो हमारे आर्काइव्स में रखे जाते हैं। यानी अंग्रेज इतने, आप देखते हो कि कई बार जो जमीनी विवाद होते हैं उनमें जो है 100-100, 150-200 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हो जाते हैं। कोई मामला इतना बड़ा हो जाए, स्टेट लेवल का अगर इश्यू हो जाता है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे हमें, आपका नेशनल आर्काइव्स में। राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है इसको, अभिलेखा, अभी का अभी जहां आ जाए वहां मतलब सरकारी मामला हो जाएगा, अभिलेखागार। ठीक है ना, चलिए देखो, छोटे बच्चे जहां रखे जाते हैं, नो सॉरी क्रैच होता है, माफी चाहूंगा, ये हिडन होता है, इसका मतलब कोई चीज छुपी हुई है उसके लिए हिडन बुक आप कैश बोल सकते हो। डीप बॉबी बताया अ प्लेस फॉर गुड्स, देन मैंने बताया शेर की गुफा। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्काइव्स, ए ए ए। अब जाकर आप थोड़ा थोड़ा सही करने लग गए हैं। अगला सवाल देखिएगा, आपको अ प्लेस और रूम फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड, ड्राइड बोले तो सूखे, सूखे जो प्लांट्स हैं, फ्लावर्स हैं, सीड्स हैं, इनको रखने का जो जगह होती है, आप एक फोटो देख रहे हो। हम कई बार अपने बुक्स में कुछ फूल या कई बार फ्लावर या कई बार हम लीव्स, पत्ते रख लेते हैं, और इस तरह से आप जिस भी स्थान पर ये चीजें रखी जाती है, तो उनमें से कोई एक वर्ड है जो इस बात को कहता है कि ये उस जगह का नाम ये है जहां पर ड्राइड, जो ड्राई प्लांट्स हैं, लीव्स हैं, उनको रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, लंबे समय के लिए, स्टडी के लिए। चलिए, तो लेट अस सी व्हाट विल बी द आंसर। मैं इंतजार कर रहा हूं और एक बार थोड़ा सा हाथ रोक के आप एक बार एक शेर वाला जो है अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो भाई हम और आप हैं ये हैं। अपनी फोन बुक में कोई जो ना एक ब्रॉडकास्ट बना सकते हो जहां पर आप 200-250 कॉन्टेक्ट सेव करके एक साथ सबको अपना लिंक भेज सकते हैं हम यहाँ। तो मुझे आंसर नहीं मिल रहा अभी, मैं देख रहा हूँ, एक बार कमेंट देख लूं, मेरे सामने स्क्रीन है। तो राहुल ने कहा सी, मोनिका ने कहा बी, एंड प्रियांशु भारद्वाज फाजिलपुर ए कहते हैं। बिल्कुल सही कहा प्रियांशु, आपका सही जवाब है हर्बेरियम। हर्बेरियम होता है जहां सूखे पत्तों को रखा जाता है, प्लांट्स को रखा जाता है। ऑर्चर्ड का मतलब होता है फलों का बाग, फलों का बाग। ठीक है ना, जहां फ्रूट, एक तो होता गार्डन फ्लावर्स के लिए, लेकिन जो फलों का होता है उसको गार्डन नहीं कहेंगे भैया, उसके लिए ऑर्चर्ड वर्ड यूज किया जाता है। टेनरी जहां पर लेदर का सामान बनेगा, जहां चमड़े का सामान बनता है उसको ही टेंडरी कहा जाता है। और लॉन्ड्री तो आपको पता ही है, जहां आप कपड़े धुलवाते हो, ठीक है ना, कपड़े धोने का जो स्थान होता है, जो भी आप प्लांट कह सकते हो जहां धुलते हैं उसको लॉन्ड्री कहेंगे। ठीक है ना, चलिए, आई होप कि आपका आंसर जो है, कुछ नई बातें आपको जरूर पता चल रही होंगी। अगर ऐसा है
तो मैं आपका 30 सेकंड इंतजार करूंगा, आपके कमेंट देखना चाहता हूं कि क्या आपके लिए बेनिफिशियल है ये क्लास कंटिन्यू रहे, मैं आपको रोजाना इस तरह के वर्ड्स आपको पढ़ाए जाए या नहीं पढ़ाए जाए, ये प्लीज मुझे एक बार लिख के बताएं, मैं आपके कमेंट के ऊपर जो है रिएक्ट करूंगा। हाँ जी, जयवीर पायल जी क्या कहते हैं, डेली करा दिया करो गुरुजी, सीईटी आने वाला है प्लीज प्लीज। सत्यम कुमार सर जी, सीयूईटी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? सत्यम, सीयूईटी तो आप यही तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना, आप चाहो तो ऑनलाइन हमारा कोर्स ले सकते हो, ये भी तरीका हो सकता है जी। सर जी, अच्छा ये तो बार बार आ रहा है कमेंट, है सर बेनिफिशियल, सुशीला जी कह रही है बेनिफिशियल है जी गुरुजी, रोज होनी चाहिए, चलिए रोज होगी और बिल्कुल होगी, आपको आंसर पता चल ही गया है। टेनरी जहां लेदर का सामान बनता है, अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, आ गया आंसर। डिपो तन भैया, डिपो आप देखते हो बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, जहां स्टोर होता है, चाहे बसेस जहां इकट्ठी होती हो, चाहे आप कोई सामान वहां एक स्टोर में करते हो, बुक्स जहां स्टोर करते हो, तो डिपो शब्द यूज किया जाता है, तो आपका ये रहा। अब आपके पास दो वर्ड और आ गए, इसका आप जानते ही हो, ये मैंने आपको पहले बताया है, जहां फ्रूट, जहां फ्रूट। अच्छा एक छोटी सी बात और, शायद मैं ग्रामर में पढ़ाता रहता हूं, एक तो वर्ड होता है फ्रूट, एक होता है फ्रूट्स, फ्रूट और फ्रूट्स में जरा सा फर्क होता है दोस्तों। ये तो होता जो खाने वाला फल है, ठीक है ना, फल, और ये तब परिणाम, रिजल्ट। अगर आप फ्रूट का फ्रूट्स बनाओगे तो हार्डवर्क फ्रूट, आप कह सकते हो फ्रूट्स ऑफ हार्डवर्क, यानी रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क, ठीक है ना, तो फर्क होता है। फ्रूट होते हैं जो हम खाते हैं रोजाना, तो आपका हाँ गैरेट होता है दुछत्ती, दो छत जाओ दुछत्ती, ठीक है ना, दुछत्ती क्या होता है, दहा दो छत इकट्ठी हो, घरों में होती थी पुराने घरों में गैरेट, ऑर्चर्ड आपको पता चल गया, फलों का बाग। मिंट क्या होता है, मिंट के दो मीनिंग होते हैं, मैं चाहता हूं कि मिंट का कोई एक मीनिंग आप जरूर लिखो, मैं वेट कर लूंगा आपका, प्लीज राइट इट डाउन, देख रहे हैं तो प्लीज लिखो जरा एक बार, क्या हो सकता है मिंट, मिंट। सुनीता सिंह, जयवीर सिंह, मौसम, हीरालाल, राहुल, मोनिका, आनंद कुमार, एक बार आप मिंट का आंसर जानना चाह रहा हूं, आप देख रहे हैं तो मिंट क्या होता है, आया नहीं अभी तक, यस यस यस, आनंद कुमार जी थैंक यू सो नाइस ऑफ यू, आपके कमेंट ही हमें हौसला देते हैं जी, आया 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 मीनिंग आया, अजी 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 कहाँ है पुदीना। मुझे पता था, मुझे पता था कि आपका जवाब यही रहने वाला है, मिंट जो है ना, यहां पर मिंट का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, चलो मैं इधर लिख दे रहा हूं, मिंट होता बेटा टकसाल, अब आपको टकसाल नहीं पता होगा, मैं क्या ही करूं, टकसाल होती है जहां पर करेंसी प्रिंट होती है, जहां करेंसी प्रिंट होती है मिंट। जैसे अब आपका सवाल बढ़ जाएगा जीके में कि हमारी जो टकसाल है, हमारी जो मिंट है, वो इंडिया में कहां कहां है, चार जगह है, दो मैं बता रहा हूं, एक तो आपका नोएडा में होती है, एक देवास में होती है, दो खुद ढूंढनी है, मतलब अब लिखना मत शुरू कर देना, ठीक है ना। तो मिंट होती है जहां नोट छपते हैं, जहां सिक्के ढलते हैं, तो उसको कहा जाता है टकसाल। नेक्स्ट वर्ड देखो जरा, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, अब मैं इसका जवाब मैं तो बताऊंगा नहीं, आपको ही बताना, मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि एक वर्ड जब एक बार दो बार तीन बार आपके सामने आएगा तो आप बता सकते हो, मैं बाकी का मतलब बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए तनिक बताइए तो जरा, अभी पुदीना ही लिख रहे हो, अनुराधा दहिया ने नोएडा बताया, नोएडा तो मैंने ही बताया है, आपने कहां बताया जी। मोनिका बरार, जहां कॉइंस बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मोनिका जी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। अब एक बार ये देखो जरा, आप देख रहे हो जहां, एक तो होता है फ्लावर्स, जहां फ्लावर्स होते हैं उसको बोलते हैं आप गार्डन, बोलते हैं ना दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश होते हो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, यानी फूल खिल उठते हैं दिल में। और जब जहां फ्रूट होते हैं तो आपका आंसर आ ही गया है, ये क्या भेज दिया, हाँ मुंबई, मुझे पता था लिखना शुरू कर दोगे कि यहां भी टकसाल है वहां भी टकसाल है, अबे क्या ही हो रहा है ये।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्चर्ड। ड्रे का मतलब होता है जो खुला ट्रक होता है ना उसके लिए यूज किया जाता है, ओपन ट्रक, पीछे से खुला। आपने देख रहा हूं लकड़ी वगैरह ढोने के लिए एक ट्रक होता है उसको कहा जाता है। कॉन्वेंट आपको पता ही है, नंस जहां रहती है नंस के लिए। ऑर्फनेज क्या है? ऑर्फनेज अनाथालय, ऑर्फनेज होता है जहां ऑर्फन्स रहते हो, ऐसा प्लेस जिस भवन में, जिस बिल्डिंग में, जिस इमारत में अनाथ बच्चे रखते हो उसी को ऑर्फनेज कहा जाता है, अनाथालय कहा जाता है। रोजाना आप मूवीज में आप इस तरह के वर्ड्स देखते रहते हो कि कोई ऑर्फनेज में, मैं कल भी कोई मूवी देख रहा था उसमें भी इस तरह का कोई वर्ड्स बार बार यूज हो रहा था, ठीक है ना। ऑर्फनेज, अ स्क्वेयर कोर्टयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स। स्क्वेयर, स्क्वेयर तो आप जानते हो, आप देख रहे हो यहां पर एक स्क्वेयर करके कोई कोर्टयार्ड है, आंगन है, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन होता है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, अ स्क्वेयर कोर्टयार्ड बाउंडेड बाय बिल्डिंग्स। तो चार ऑप्शन है, आसान भी है, बता भी सकते हो, तो कब लग सकता है यहां पे, कुछ ऑप्शन हटाने होते कि ये तो हो ही नहीं सकते, है ना। चलिए लेट्स सी जी। हिमांशु दहिया, राम राम कुलदीप कटारिया जी, हिमांशु जी नमस्कार, राम राम, बिल्कुल नमस्कार है। राहुल जी ने कहा, ए ए विजय ने कहा है, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं हमारे लिए, थैंक यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या करें, अभी तो आशीष सर भी आते हैं 9 से 10, द आशीष सर, द एनर्जेटिक आशीष सर, हमें वो 8 बजे तक फ्री कर देते हैं और लेट तक लगे रहते हैं। क्वाड का मतलब क्या होता है? देखो क्वाड, जब भी आप क्वाड वर्ड यूज करोगे तो इसका मतलब होता है चार, यानी जो चारों तरफ से, स्क्वेयर का मतलब होता है जिसकी चारों, स्क्वेयर होता है जो जो आपकी आमने सामने जो लाइन है वो इक्वल हो, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वाड। एक वर्ड और लिख रहा हूं, क्विंक। क्विंक होता है जिसकी 5 जो साइड्स हो, ठीक है ना, आप क्विंक भी जानते हो। मोस्क, मस्जिद के लिए यूज किया जाएगा, मोस्क मस्जिद, मस्जिद मोस्क। कैसीनो, तो जहां जुआ खेलते हैं यार, जुआ घर, कैसीनो, आजकल एक जुए का मॉडर्नाइजेशन हो गया है, कहते हैं आई गो टू कैसीनो जुआ खेलने। वो मूवी याद है ना कि बस मौसी जैसे ही शादी हो जाएगी वीरू जो है शराब पीना छोड़ देगा और फिर वो उसके जुआ खेलना भी बंद कर देगा, है ना। तो भाई मॉडर्न जो जुआ घर है उनको कैसीनो कहने लगे, और टेंपल तो आप जाते ही हो, इसमें कोई नई बात है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट वर्ड जानते हैं, अगला वर्ड क्या हो सकता है हमारा, चलिए। अ स्ट्रीट ओपन्स एट ओनली एट वन एंड। एक ऐसी गली, देखो ये चली गली अनारकली डिस्को चली यहां से, ये चली और ये घूम के वापस ही आ गई, ऐसी गली को बोलते हैं जो एक ओपन एंड पर खुलती हो, खुल गया और वहां से घूम के रिटर्न हो गया, तो इसको कुछ कहा जाता है। तो आपका क्या आंसर हो सकता है, आप एक बार यहां पर आप चाहो तो तुक्का लगा के देख सकते हो कि क्या आपका आइडिया, क्या आपकी इमेजिनेशन सही हो सकती है, क्या आपका तुक्का चलता है, ठीक है ना। कुछ बोलते कि एक बार बच्चों ने पता क्या सवाल किया कि जी मान लो हमें क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो ऐसे में हम तुक्का ए पे लगाएं, बी पे लगाएं, सी पे लगाएं, डी पे लगाएं, जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ऐसे में क्या करें, है ना। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा तुक्का ठीक रहता है, एक बार बताना जरा ए बी सी में से। पहले तो इसका आंसर बताना आपको। जी 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 आनंद कुमार जी, बिल्कुल सही लिखा है, कुल्डेसैक बोलते हैं, आपका सही आंसर ये वाला है, ठीक है ना। इस तरह के ये इंग्लिश वर्ड नहीं होते हैं, दरअसल क्या है कुछ अदर लैंग्वेज के वर्ड्स भी इंग्लिश के अंदर आ जाते हैं जिनको हम जनरली हम कम पढ़ते हैं। आप क्रेच तो छोटे बच्चों को रखने का स्थान होता है, रिफॉर्मेटरी जहां रिफॉर्म्स किया जाता है, सुधार गृह जहां जेल भी तो होती ना रिफॉर्मेटरी, और नन तो यानी कोई ऑप्शन नहीं है कहीं, इसको वैसे समझ लो ऑप्शन नहीं है, ठीक है भैया। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट ऑप्शन, अ प्लेस फ्रीक्वेंटेड या फ्रीक्वेंटली फॉर रीजंस ऑफ प्लेजर और हेल्थ। आप अपनी हेल्थ ठीक करने के लिए, अपने प्लेजर के लिए,
आप मौज मस्ती करने के लिए परिवार के साथ, फैमिली के साथ आउटिंग पे, वेकेशंस पे जाते हो, तो आपका आंसर क्या हो सकता है इनमें से? ये तो आसान है, ये तो जानते हो आप, इसमें क्या मैं बताऊंगा, फिर भी देख लेते हैं, क्या पता कुछ और निकल के मामला। जी कोमल प्रजापति जी, आपने बताया है बी, बिल्कुल सही था आपका। अभी नया ऑप्शन आ गया है, इस पे जवाब देना है आपको, इसको देखना है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हा हा, प्लीज देखें जरा एक बार। अनुराधा ने बताया डी 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 डी, ये कौन है सीरे? मनीष देशवाल सर भी लिखा है, सी भी बता रहा है, आनंद जी ने बता दिया। वाह, अरे रिजोर्ट तो होता है यार, रिजोर्ट में तो जाते हैं। अब पैडॉक क्या होता है? ये हॉर्सेस के लिए यूज किया जाता है, जहां हॉर्स को रखते हैं ना, जो रेस कोर्स वाले, रेस वाले जो हॉर्स होते हैं, रेस से पहले एक स्थान पर उनको बांध के रखा जाता है, उस जगह को पैडॉक बोलते हैं। बूथ तो किसी भी शॉप को भी बोल सकते हैं, कोई भी दुकान है बूथ है, जैसे मिल्क बूथ होता है। स्कलरी क्या होता है? जहां बर्तन रखने का जो वो होता है, बर्तन रखने वाला वाला या वाली जगह, जहां बर्तन रखे जाते हैं, अ प्लेस वेयर यूटेंसिल्स आर केप्ट हैंग्ड एग्ड, उसको स्कलरी बोलते हैं, है ना। हमारे घरों में किचन होता है, किचन में जहां आप बर्तन धोते हो, धोने के बाद आप रखते हो एक थोड़ी देर के लिए, उस यानी उसके बाद भी रख देते हो परमानेंटली भी, दो दिन चार दिन बाहर निकलते हैं, तो ऐसे में उस प्लेस को कहा जाता है स्कलरी। रिजोर्ट हो गया, बूथ हो गया, हॉर्सेस को बांधने का जो जगह है, एक स्टेबल अलग होता है, ये अलग जगह है जहां रेस कोर्स से पहले। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? अरे वो तो हो ही गया डी। चलिए तो वाह, ये आपका वही वाला वर्ड ही आ गया, कमाल ही हो गया, तो है ना, ये तो आप आंसर दे ही सकते हो इसको। देखो एनक्लोजर एडजॉइनिंग मतलब जुड़ा हुआ बिल्कुल, अ रेस कोर्स वेयर हॉर्सेस आर केप्ट बिफोर रेसिंग, आंसर अभी बताया पैडॉक होता है। बूथ आपको पता है दुकान को बोलते हैं, नहीं भैया। अब ये क्रील क्या है? ये एक बास्केट के लिए यूज किया जाता है, टोकरी, ठीक है ना, एक टोकरी जो होती है उसके लिए यूज करते हैं हम। आगे देखो जरा, अरे हाँ एक वर्ड रह गया, ये भी एक ग्लास का अपोर्ट ऑफ ग्लास, कुछ अलग तरीके बर्तन होते हैं, अलग अलग चीजों के अलग अलग बर्तन होते हैं, तो ये भी एवर भी एक एक जो ना बर्तन के लिए यूज किया जाता है, पोर्ट जो होता है, अ प्लेस वेयर। आहा, पढ़ना जरा एक बार, आपका स्कोर नीचे आ रहा है व्यूअर वाला, मैं देख रहा हूं यहां पर आप ढीले पड़ गए। अ प्लेस वेयर प्लेट डिशेज पोर्ट्स एंड अदर कुकिंग यूटेंसिल्स आर एक्ड अप, एक का मतलब टांगना, किसी को आप टांगते हो उसके लिए। जरा बताना, कुछ और वर्ड आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है ना। बताओ जरा क्या हो सकता है? अब मैं आपका आंसर जानना चाहता हूं। अनुराधा ने बहुत बड़ा ए लिखा है, अरे अभी तो बताया। देखो एक छोटी सी बात बताऊं, जो नॉर्मल फैमिलीज, देखो जो जो सोसाइटी है ना, जो सोसाइटी है वो क्लास में बटी हुई है, वर्ग में। हमारी जो सोसाइटी है उसमें अलग क्लासेस हैं, यानी वैसे तो ये कहा जाता कि लोअर मिडिल अपर तीन क्लास होती है, ना जी ना, दुनिया भर की लेयर्स होती हैं क्लास के अंदर। आपके लिविंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, आपकी आमदनी के अकॉर्डिंग, क्या आप किस तरीके से रह रहे हो, आप क्या ओढ़ पहन रहे हो, क्या खा पी रहे हो,
ये बहुत सारी चीजें आपकी बातचीत के अंदर कई बार क्लास निकल जाती है कि किस क्लास से बिलोंग करते हो। तो यहां पर अब अगर किसी के घर में इस तरह का बर्तन टांगने का औजार है तो समझ लेना यानी एक लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखो दो तीन वर्ड और हैं। डॉक क्या होता है? डॉक होता है जहां पर शिप्स जो है ना आकर ठहरते हैं, शिप्स डॉक यार्ड है ना। जैसे मैंने हैंगर बताया था ऐसे ही क्वे क्या होता है? जहां शिप्स रिपेयर होते हैं, शिप्स ही रिपेयर होते हैं जो स्टे करते हैं वहां पे। और ये भी एक जो है ना पोर्ट होता है, बर्तन को ही बोलते हैं क्रूट। एक जो है ना किसी बर्तन के लिए यूज किया जाता है, कांच का ही बर्तन होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अगर आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम भी उन्हीं क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारे घरों में इस तरह से बर्तन टंगे में मिलेंगे। लेकिन एक अगला पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, अगर आपकी क्लास अलग है तो देखो भैया ऐसे भी मिलते हैं बर्तन, ऐसे भी मिलते हैं जी। क्लास भी स्टॉप हो गई भाई, एक बार चेक करना जरा, रुकी हुई क्लास चेक किया जाए। लेट मी चेक, लेट मी सी, कहीं इंटरनेट में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई है। जी क्लास रुक गई है, रुक गई है, रुक गई है, नेट की गड़बड़ होगी शायद। कौन हो गई? हेलो 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 हेलो, एक बार मुझे बताएं बताएं, आई थिंक क्लास आ गई है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो माइक चेक 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 चेक, बताओ बताओ जरा क्विक क्विक क्विक, एक बार नोट करके बताइए जरा आ गई क्या। स्क्रीन रुक गई, स्क्रीन रुक गई जी, स्क्रीन रुक गई जी, कोई बात नहीं, स्क्रीन आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, लेट मी सी, आ गई है, हाँ आ गई। चलिए चलिए चलिए, नाउ इज सो क्लियर। आनंद कुमार, आनंद कुमार, चलिए आनंद जी एक बार आपके कुछ दोस्त, मैं आपको बता रहा था, एक पीछे वाले स्क्रीन दिखा दूं आपको एक बार, देखो जरा। मैंने कहा कि हम लोग जिन परिवारों से बिलोंग करते हैं उनके घरों में रसोई का कुछ इस तरह का सीन होता है, यानी जहां बर्तन धुलते हैं वहीं से ऊपर टांग देते हैं, अगले दिन यहीं से उतार लेते हैं, ठीक है ना। एक थाली, एक प्लेट, एक कटोरी, 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल, भाई हमारे घर में तो 40-40, 50-50 साल पुराने बर्तन चल रहे हैं, उन्हीं में खाना खाया जा रहा है। लेकिन मैंने कहा क्या बताया, कुछ क्लास कुछ वर्ग ऐसे होते हैं उनकी किचन ऐसी दिखते साहब, ओए होए होए, देखना जरा है ना, चाहे जली हुई रोटी हो उसका भी लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ जो है आ हा हा ऐसे करके आई है। ये वाले किचन भी होते हैं, ये क्लास अलग है, समझ में आ गई मेरी बात। तो भाई आपको अगर इस क्लास में जाना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, लेबर करनी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा। तो लेट अस गो टू दिस क्लास आफ्टर वर्किंग हार्ड, ये क्लास पढ़ें, दोस्तों को पढ़ाएं, लेबर करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, चलिए जा। अ प्लेस वेयर शिप्स आर लोडेड एंड रिपेयर्ड, अभी बताया था ये एक पोर्ट होता है, पोर्ट, पोर्ट बोले तो कांच का बर्तन, इसके लिए यूज किया जाता है कांच का बर्तन। आपको बार बार अगली क्लास में हो सकता है इस तरह से वर्ड दिख जाए। ये क्या होता है? यही होता है जहां पर इसको बोलते हैं आप लगभग बंदरगाह कह सकते हो, बंदरगाह टाइप का ही कुछ होता है। आप हिंदी में मुझे इसका मतलब नहीं पता, लेकिन आपका जो आंसर है ना वो एक क्वे ही होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है? घुड़साल, घुड़साल, इसका एग्जैक्ट मतलब डॉकयार्ड हो सकता है, बंदरगाह ना हो कुछ और होता हो, लेकिन आपका आंसर ये होगा। और ये होता है मयान। अभी जब क्लास शुरू की तो मैंने एक दो लाइनें बताई थी कि जात न पूछो गुरुजी की यानी साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो सीध,
मतलब मयान है ना। अरे किसने लिखा था बताया नहीं आप लोगों ने, ये तो आपका आंसर हो गया। देखो, और रिफ्रेशमेंट हॉल इन मोनेस्ट्रीज एंड कॉन्वेंट्स, और रिफ्रेशमेंट हॉल, रिफ्रेशमेंट हॉल क्या होता है, जहां खाना खाया जाता है। खाना आप देखते हो मोनेस्ट्रीज में जहां नंस रहते हैं, कुछ इस तरह का आलम रहता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। आपका आंसर चाहिए मुझे, बताओ जरा एक बार, इसमें मैं आपका तुक्का जानना चाहूंगा, प्लीज 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 मुझे बताओ, बताओ जरा। मयान सीध, हाँ बिल्कुल, जहां तलवार रखी जाती, दिखाऊंगा वो भी। जी 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 बिल्कुल, आई वॉन्ट टू गेट दिस स्टेज। हाँ मेरे घर भी, मैं भी ऐसे ही, पहले वाला आनंद, पहले वाला है ना, पहले वाला पिक्चर होगा ना, दूसरे वाला है पहले वाला, पिक्चर वन पिक्चर टू रसोई का। देखो आपका यहां पर कुछ लोग गलत करेंगे, नहीं पता कुछ लोगों को, मैं बता देता हूं। इसके लिए हमारे पास एक वर्ड होता है रिफैक्ट्री, यहां पर ठीक है ना, ये वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। सेलर क्या होता है, तहखाना, तहखाना बोलते हैं। अ रूम और बिल्डिंग फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ स्कल्पचर्स, स्कल्पचर जो बुत होते हैं, जो पुराने हमारे स्कल्पचर्स होते हैं, उनको रखने का जो स्थान होता है, उसके लिए क्या यूज करेंगे आप बताओ। नहीं पता, चेक करते हैं, ठीक है। पैडॉक आप जानते हो हॉर्सेज के लिए, ठीक है ना। डिसेंटर क्या होता है, ये भी वाइन रखने का एक पोर्ट ही होता है, ये भी कांच का पोर्ट, ठीक है ना। आपका सही आंसर होता है ये वाला आंसर आपका, ये वाला आंसर आपका हो जाता है। एक बार मैं आपके कमेंट देख लूं, कबीर का है ये, आनंद ने बता दिया। जी 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 जी, ज्योति जी बेनीवाल, अजय सिंह, पूजा मान, मोनिका ब्रार, मनीष देसवाल, अजय सिंह, दिशा दृष्टि, जय हो दिशा दृष्टि। चलिए तो देखो, एक वर्ड आपका सामने आ रहा है कैडी, ये भी एक कंटेनर होता है, कंटेन जहां सामान रखते हैं। चलिए, अ रिसेप्टेकल केस फॉर द होल्डिंग पेपर्स, ठीक है, उसको बोला जाता है, क्या कहेंगे आप बताओ। पोर्टफोलियो यही होता है ना, या कुछ और बोलते हैं, अरे बता दो, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा साहब। इस तरह का, ठीक है ना, बंकर तो नहीं हो सकता, यही है। और ये क्या है आपका, ये भी पोर्टफोलियो होता है, इसका कुछ और नाम होता है भाई, मुझे नाम नहीं पता इसका, इनमें से ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, ये ऑप्शंस आपको ढूंढना है, ठीक है ना। क्या कहते हैं ये आपका, आपका ऑप्शन रहेगा, ये आपको ढूंढना है इसका आंसर, ठीक है ना। जहां इस तरह का ये, जहां ड्राइंग शीट्स आप फोल्ड करके रखते हो इसके अंदर, इसको क्या बोलते हैं मुझे जानकारी नहीं इसकी, आप भी बताएंगे, ठीक है। ये सवाल आपके पास रहा, हाँ ये पोर्टफोलियो होता है, ठीक है ना, इसको आप कह सकते हो। बाकी सीध अभी आएगा आगे चल के, ठीक है, ये पोर्टफोलियो आपका, उसका ऑप्शन सेम हो गया। हाँ, अ लेडीज हैंडबैग और वर्क बैग, अ लेडीज हैंडबैग और वर्क बैग, एक महिला का जो हैंडबैग होता है या वर्क बैग, इस तरह का बड़ा सा थैला रखती महिला है आजकल, तो उसके लिए क्या आंसर आपका हो सकता है बताओ, बताओ, बताओ जरा। आपका आंसर हो जाएगा रेटिक्यूल, ये होता है साहब, ठीक है ना, ये मीनिंग आपको बता चुका हूं सारे। नेक्स्ट क्लास में ये सारे कुछ वर्ड रिपीट होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। अगर दोनों एक सारी क्लासेज करोगे तो मैं गारंटेड आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में आपके पास शब्दों का भंडार होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं जरा, बचा हुआ क्या, हाँ ये रहा, अ केस इन विच द ब्लेड ऑफ स्वॉर्ड इज केप्ट, ये होता है मयान, जहां आपके तलवार रखते हो, क्या हो जाएगा, सीध बोलते हैं इसको। रिजोर्ट आपको पता है, होटल हो गया, मोस्क मस्जिद हो गया, बूथ दुकान हो गया, ये बात आप जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है।
चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और मुझे कोई भी एक कमेंट जरूर लिख देना कि क्लास में कुछ आपको जो है कोई दिक्कत आई। चलो वो इंटरनेट की प्रॉब्लम तो रहती है, जब आप दोबारा से इसको देखोगे दोबारा समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए एक बार कमेंट में डालना कुछ छोटी मोटी बात जो आपको लगे, और ये लिंक बाद में भी शेयर कर सकते हो, बाद में भी देख सकते हो, आप इसको स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो। मैं दावा करता हूं जो सीरीज हम चला रखी है हमने यहां पर, मैं एक बार आपको दोबारा से उसी पेज पे ले आऊं। कहां गया हमारा, ये रहा, ये आपका आप देख रहे हो वन वर्ड से जुड़े हुए सारे के सारे जितने भी बातें हो सकती हैं, मैक्सिमम न्यू वर्ड्स आपके पास आएंगे सारे के सारे। जो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स रहेंगे जो हम नए सीखेंगे। चलिए नमस्कार, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, ईट हेल्दी, थिंक बेटर, लिव लॉन्ग लाइफ, बाय।